कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू आवर चैनल एवन फार्मेसी। सो हमने शुरू किया था द नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम है इसमें हमने बात की थी, देखो जो नर्वस सिस्टम था ना, नर्वस सिस्टम से जुड़े जितने भी डायग्राम्स थे, ठीक है, जो मैंने इस प्लेलिस्ट में, पूरी प्लेलिस्ट में आपको दिखाए थे, ठीक है, तो उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो हमने वन बाय वन उन डायग्राम्स को देखा था, ठीक है। तो आज भी हम उन्हीं डायग्राम्स को आगे देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बच चुके थे, तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप इससे प्रीवियस वीडियो देखना, देन ये वीडियो देखना, ठीक है, तभी आपको ये वीडियो थोड़ा समझ आएगा आगे। तो यहाँ पे हमने देखा था, एंड में हमने देखा था यहाँ पे जो स्पाइनल नर्व्स है, तो कुछ स्पाइनल नर्व्स को हमने देखा था 31 पेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरे 31 पेयर आपको दिखाए हुए हैं स्पाइनल नर्व्स के। तो यहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड दिखाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे पूरे देखो, यहाँ पे आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है, क्रेनियो सॉरी जो सर्वाइकल प्लेक्सिस हैं, आपको देखो ये सर्वाइकल प्लेक्सिस आपको दिखाए हैं, ब्रोंकियल प्लेक्सिस आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है। देखो सर्वाइकल प्लेक्सिस यहाँ पे C1 to C4 है, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकियल प्लेक्सिस जो है वो कहाँ से कहाँ तक के, C5 से T1 तक है, ठीक है। उसके बाद थोरेसिक नर्व्स आपको दिखाई, सारी थोरेसिक नर्व्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो थोरेसिक नर्व में कोई मतलब प्लेक्सिस नहीं होते यहाँ पे, ठीक है। तो प्लेक्सिस यहाँ पे नहीं होता। देखो प्लेक्सिस क्या होता है, जो नर्व्स होती है वहाँ पे एक तरह से उन्होंने लार्ज मासेस यहाँ पे बना लिया, ठीक है, फॉर्म अ लार्ज मास। तो यहाँ पे बिल्कुल सारे एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं, तो उसको हम एक टाइप ऑफ प्लेक्सिस बोल देते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से ग्रुप ऑफ जो नर्व्स है उसको हम बोल रहे हैं प्लेक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो नर्व्स है, देखो यहाँ पे जो नर्व्स है वो यहाँ पे आके रीग्रुप्ड हो गई है, ठीक है, रीग्रुप्ड आप इसको बोल सकते हो, रीअरेंज हो गई है दोबारा। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है, ये स्किन को, बोन्स को, मसल्स को यहाँ पे क्या करती है, ये नर्व्स है ये सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वहां पे जाने से पहले यहाँ पे देखो ये पूरा एक तरह से रीग्रुप हो चुकी है, रीअरेंज हो गया है, तो हम इसको प्लेक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्वाइकल प्लेक्सिस है, ये जो पिक्चर है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये हमारे, मैंने आपको वीडियोस में नहीं बताई है, तो ये अलग से आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो प्लेक्सिस के बारे में भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम डिस्कस हो रहा है, ठीक है। ऐसा थ्योरी में कहीं ना कहीं देखा होगा प्लेक्सिस क्या होते हैं, लेकिन हमने एज अ इमेज हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। तो प्लेक्सिस आप देख सकते हो, प्लेक्सिस यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपसे कोई प्लेक्सिस का पूछ ले कि प्लेक्सिस कौन कौन बनाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रेनियल, पहले तो क्रेनियल नर्व्स की यहाँ पे आप देख सकते हो, तो क्रेनियल प्लेक्सिस बना हुआ है, तो C1 से C4 तक बना हुआ है। ब्रोंकियल प्लेक्सिस अगर हम बात करें तो वो कौन सी बनाती है, C5 to T3 यहाँ पे बनता है, लेकिन यहाँ पे T2 से लेके T12 तक यहाँ पे कोई भी प्लेक्सिस फॉर्म नहीं होती है। तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कि मतलब कई बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी जो नर्व्स होते हैं वो यहाँ पे प्लेक्सिस फॉर्म नहीं करते हैं। तो यहाँ पे T2 से लेके T12 तक आपके प्लेक्सिस यहाँ पे फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। लंबा प्लेक्सिस आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, लंबे प्लेक्सिस हैं। उसके बाद यहाँ पे सैकल प्लेक्सिस हैं, ठीक है। उसके बाद आखिरी में जो है कॉकिजल प्लेक्सिस जो है S4 से यहाँ पे C0 तक आपको दिखाया है, ठीक है। और जो आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पे आपको सिंपल क्या दिखाया है, आपको ये पूरा कट करके दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रिलेशनशिप बिटवीन सिंपेथेटिक एंड मिक्स्ड जो स्पाइनल नर्व्स है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है यहाँ पे आपको दिखाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये डोर्सल दिखाया है, ठीक है, पोस्टीरियर डोर्सल रूट गैंग्लिया आपके स्पाइनल कॉर्ड आपको बीच में दिखाई है, ठीक है। यहाँ पे एंटीरियर रूट है, स्पाइनल नर्व्स आपको ये चीज दिखाई हुई, यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको गैंग्लियंस ऑफ सिंपेथेटिक ट्रंक आपको यहाँ पे ये शो किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे रेमस दिखाया, एंटीरियर रेमस है, पोस्ट यहाँ पे एंटीरियर रेमस हो गया, ग्रे रेमस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पोस्टीरियर रेमस मिक्स्ड मिक्स्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। वैसे आप लोगों की ये जो स्ट्रक्चर है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पे एक डायग्राम और भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो सर्वाइकल प्लेक्सिस जो है, सर्वाइकल प्लेक्सिस आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे फॉर्म की, तो सर्वाइकल प्लेक्सिस देखो यहाँ पे इस तरह से निकली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से आपको एक सर्वाइकल के एरिया में दिखाया कि सर्वाइकल के एरिया में इस तरह से जो निकलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे देखो ये जो इस ये वाला आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे इस तरह, तो यहाँ पे आप ब्रोंकियल ये प्लेक्सिस जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये ब्रोंकियल प्लेक्सिस है। ब्रोंकियल प्लेक्सिस कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखो ट्रंक के फॉर्म में रूट रूट ट्रंक डिवीजन, फिर कॉर्ड्स, फिर टर्मिनल नर्व्स है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंडर ये मतलब ऐसे इस तरह से डिवाइड किया गया है इसको कुछ, ठीक है। तो आप देख सकते हो पूरा प्रॉपर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आप जब हायर स्टडीज करोगे तो वहां पे आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। तो अभी तो आप बस इसको ऊपर ऊपर से देख लो, ठीक है। यहाँ पे ब्रोंकियल प्लेक्सिस जो है इस तरह से आपको शो हो रही है, ठीक है। आपको इसको रूट के, ट्रंक के, डिवीजन, कॉर्ड्स, यहाँ पे आपको टर्मिनल नर्व्स हैं, इसके अकॉर्डिंग इसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो इस वाले डायग्राम में आपको क्या दिखाया है, यहाँ पे किस तरह से जो नर्व्स है ये देखो यहाँ पे, और आपकी रेडियल नर्व है, मीडियल नर्व है, आपकी सुपीरियर ब्रांचेस और रेडियल नर्व्स आपको यहाँ दिखाई, और रेडियल नर्व्स आपको यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है, जो सारी नर्व्स हैं, ठीक है।
यहाँ पे आपको नर्व्स दिखाई है, ठीक है। एक बार इनको देख लेना स्ट्रक्चर्स को, अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। तो आपको ये जो आपको दिखाया यहाँ पे देखो, ये मेन जो है आपका आर्म्स के अंदर आपको दिखाया है, ठीक है। ये पोस्टीरियर व्यू आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे। और इसी तरह से आपको इस वाले जो यहाँ पे अलग वाला रीजन जो है आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो आप देख सकते हो इस तरह से आपका जो ल्यूम्बोसैक्रल जो एंड और आपका कोक्लियर जो प्लेक्सस हैं, इस तरह से अब आपको मतलब ये बाहर निकल गए हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा, ठीक है। मतलब इन डायग्राम्स का पर्पस ये है कि आपको जो आपने जो नर्व्स पढ़ी थी ना, तो आगे जो नर्व्स है वो किस तरह से डिवाइड हो रही है, तो आप देख सकते हो पूरा इसमें डिटेल में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर में अंदाजा लगा सकते हो किस तरह से नर्व्स है पूरी बॉडी के अंदर से डिवाइड होती है हमारी, ठीक है। इस तरह से जो नर्व्स है प्रेजेंट होती है हमारी, तो जो हम नर्व्स पढ़ रहे थे वो फर्दर जो है इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर फैली होती है, ठीक है। तो जो मेन चीज क्या है, जो नर्व्स है वो पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मेन डायग्राम था वो था ये वाला, इसमें हमने देखा था पूरी जो क्रेनियल नर्व्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्रेनियल नर्व्स कैसे यहाँ पे अराइज हो रही है, ठीक है। हर एक चीज देखो यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिखाए कि क्रेनियल नर्व्स, हर एक जो क्रेनियल नर्व्स है वो किस तरह से आपको यहाँ पे शो किए हैं। और आप देख सकते हो जो ब्रेन आपको थोड़ा उल्टा करके रखा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्रेन को इस तरह से दिखाया हुआ है आपको, तो यहाँ पे हर एक क्रेनियल नर्व्स आपको दिखाई है। पहले हमारे पास कौन सी थी, एक बार दोबारा आपको लर्न करा देती हूँ। यहाँ पे ऑल्फैक्टरी थी हमारे पास, ऑल्फैक्टरी नर्व्स इन ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट आपको दिखाई है, ठीक है। ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट में आपको दिखाई है, ऑप्टिकल नर्व आपको दिखाई है, ओक्यूलो मोटर, यानी इसको हमने कैसे बात किया था, ओ ओ ओ से, यानी तीनों पहले जो है ओ ओ ऐसे स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ट्रोक्लियर नर्व्स थी हमारे पास, ट्राइजिमिनल नर्व्स थी, ट्राइजिमिनल नर्व फर्दर थ्री ब्रांचेस में यहाँ पे डिवाइड हो रखी है, ठीक है। उसके बाद है एब्डुसेंट नर्व्स हमारे पास है, फेशियल नर्व है, ठीक है, ऑडिटरी नर्व हमारे पास है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोसी फेरेंजल नर्व है, वेगस नर्व है, वेगस नर्व सबसे लॉन्गेस्ट नर्व थी हमारी, ठीक है। क्रेनियल रूट ऑफ एसेसरी जो है, ठीक है, और वेगस नर्व जो है हमारी ये नेक रीजन को भी क्रॉस कर देती है, ठीक है। तभी तो ये डाइजेस्टिव को मतलब इतना जो भी स्टमक के पास, ठीक है, और भी किडनीज हो गए, लैरेंस हो गया, ठीक है, ट्रैकिया, ब्रोंकी, हार्ट, ठीक है। तो उनको ये क्या करती है, नर्व जो है वेगस नर्व है उसको सेंसरी नर्व्स ऐसे प्रोवाइड, ठीक है, यहाँ पे करती है। हमने इसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद एसेसरी नर्व हमारे पास थी, ठीक है, हाइपोग्लोसिन जो जो हमारी नर्व है, ठीक है, सबसे आखिरी नर्व यहाँ पूछी जाती है कौन सी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा डायग्राम जो था, ये सेरिबेलम आपको दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। स्पाइनल कोड यहाँ पे देखो आप देख रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे C1 जो नर्व है, ठीक है, वो है आपके। उसके यहाँ पे आपको नेक्स्ट हमारे पास है सेरिब्रम हो गया, ऑल्फैक्टरी बल्ब हो गए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे हमने ये भी बात की थी, जो जो ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ये कौन कौन सी सेंसरी होती है, मोटर होती है, ठीक है, और यहाँ पे मोटर है, मिक्स्ड है, ठीक है। इनका हमने पूरा एक तरह से जो निमोनिक है उसके साथ उसको लर्न किया था, ठीक है। तो आपको ये चीज भी लर्न होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो ये डायग्राम है इसमें हमने पूरा प्रॉपर देखा था कि कौन सी नर्व किस तरह से जुड़ी हुई है, ठीक है, किस तरह से कहाँ कहाँ से अटैच है। तो अभी इस सारे जो नर्व्स हैं देखो यहाँ पे पहले हम पहले शुरुआत करते हैं ऑल्फैक्टरी से, ऑल्फैक्टरी से, ठीक है। ऑल्फैक्टरी जो है फर्स्ट ऑल्फैक्टरी है, उसके बाद हमारे पास ऑप्टिक नर्व है, थर्ड हमारे पास थी ओक्यूलो मोटर, ठीक है, फोर्थ हमारे पास जो ट्रोक्लियर जो नर्व है वो थी, ठीक है, ट्राइजिमिनल नर्व थी उसके बाद। तो यहाँ पे ट्राइजिमिनल नर्व जो है आपके पास वो प्रेजेंट है। देखो ये जो आपकी है ट्राइजिमल नर्व, ट्राइजिमल नर्व मैंने कहा था आपको तीन ब्रांचेस में फर्दर, ठीक है, डिवाइड हो रखी है, तो इस तरह से वो पूरे फेसेस के अंदर मतलब फैली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हमारे पास जो होती है फिफ्थ के बाद, सिक्स हमारे पास जो थी एब्ड्यूसेंट नर्व थी, ठीक है। सेवन्थ हमारी जो है आप यहाँ देख सकते हो ये जो आपकी फेशियल जो नर्व है सेवन्थ है, ठीक है। एट्थ आपके पास आपके ऑडिटरी नर्व्स है, ठीक है, इसको ही हम वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व भी बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद नाइन्थ हमारे पास है ग्लोसो फ्रेंजल नर्व्स, हमारे यहाँ पे देख सकते हो ग्रोस फ्रेंजल नर्व है, ठीक है, ये मोटर नर्व होती है और सेंसरी नर्व होती है, यानी मिक्स नर्व होती है ये, ठीक है। उसके बाद टेन नर्व हमारे पास जो है वो है वेगस नर्व, वेगस नर्व भी मिक्स नर्व है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वेगस नर्व के बाद हमारे पास आती है एसेसरी नर्व्स आती है, ठीक है, हाइपोग्लोसियल जो नर्व्स होती हैं वो 12th हमारी लास्ट जो नर्व है वो है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो डायग्राम था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें आपको हर एक तरह से पता चल जाएगा कि कैसे जो नर्व्स है कैसे सप्लाई करती है, ठीक है, और हर एक का हमने फंक्शन भी देखा था डिटेल में, ठीक है, तो वो भी आप देखना एक बार। उसके बाद देखो जो ये आपको डायग्राम दिखाया है इसमें आपको स्पेसिफिक जो ट्राइजिमिनल नर्व है, ट्राइजिमिनल नर्व में इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसकी जो मेन ब्रांचेस है देखो यहाँ पे ऑप्थेलमिक ब्रांचेस है, मैक्सिलरी मेडुलरी ब्रांचेस आगे जो है उसकी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसमें डिस्कस किया है, ठीक है।
उसके बाद हमने बात की थी जो हमारा सिंपथेटिक यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक। तो सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक हमने देखा था कि मतलब कैसे यहाँ पे जो देखो यहाँ पे हमने देखा था जो सिस्टेमिक जो आउटपुट आउटफ्लो है इसमें क्या था, T1 से लेके L3 तक, T1 से लेके L3 तक जो है वो नर्व्स यहाँ पे इंक्लूड होती है सिंपथेटिक में, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से एक सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया यानी पूरी एक चेन होती है, ठीक है। यहाँ पे लेटरल चेन होती है गैंग्लियंस की, तो यहाँ पे एक लेटरल चेन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन पैरासिंपथेटिक केस में ये चीज़ नहीं होती। उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि हर एक का अपना अपना एक फंक्शन था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जैसे हमारे पास ये दी हुई इधर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे ये वाली चीज़, ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको दिखाया कि क्या क्या फंक्शन होते हैं सिंपथेटिक। सिंपथेटिक कौन से केस होते हैं मैंने आपको बताया था, जिसमें क्या होता है फाइट फ्लाइट की कंडीशन होती है, और पैरासिंपथेटिक एक रेस्टिंग स्टेज होती है, ठीक है। अभी रेस्टिंग स्टेज में मैंने आपको बताया था, जैसे एग्जाम्पल आपको दिया था कि अभी आप रेस्टिंग में भी वीडियो देख रहे हो यानी रेस्ट में देख रहे हो, अगर आपके पीछे कोई शेर लग जाए, डोगा के लग जाए, तो आप भागोगे ना, आपका एकदम से हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आप एकदम से मतलब अपनी जो सेफ्टी के लिए भागोगे, ठीक है। तो जो भी कंडीशन उस टाइम पे होंगी तो उसको हम पैरासिंपथेटिक में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो सिंपथेटिक के केस में क्या होता है, जो पीपल है एकदम से क्या होता है, पीपल डायलेट हो जाता है, ठीक है। पीपल डायलेट हो जाता है, मसल जो होती हैं जो सर्कुलर मसल्स होती हैं कॉन्टैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, सेक्रेशन ऑफ सेक्रेशन जो है इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। ओरल एंड माउथ जो नेजल म्यूकोसा है उसमें क्या होता है, वो भी इनहिबिट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको बताया था, एक बार अगर आपको देखना है फिर भी देख लो, ठीक है। हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज में क्या होगा, तो कोरोनरी आर्टरीज मैंने आपको बताया था क्या होती है, हार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होती है जो हार्ट की ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। हार्ट में उसके बाद हमारे पास ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियस जो है इसमें ब्रोंकियो डायलेट हो जाता है, ठीक है। ये आपका ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया में ब्रोंकी ब्रोंकियस होते हैं, ठीक है। इसको पूरा डिटेल में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। स्टमक जो है, स्टमक में पैरासेलिसिस जो मूवमेंट होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। स्फिंक्टर जो है हम क्लोज हो जाते हैं, तो इसको हम बात करेंगे डाइजेस्टिव वाले सिस्टम में, ठीक है। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे स्टमक के अंदर ये जो पैरासेलिसिस मूवमेंट है वो क्या चीज़ होती है और स्फिंक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था स्फिंक्टर क्या होता है, जो स्टमक का जो ये ओसोफेगस वाला और नीचे वाला जो हिस्सा होता है जो ड्यूडेनम से जुड़ता है वहाँ पे स्फिंक्टर होते हैं, ठीक है। एक तरह से रबड़ टाइट, रबड़ की तरह होते हैं, बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। जब फूड अंदर आता है ना तो उसमें क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट चलती है स्टमक के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। लीवर जो है, लीवर में आपको यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूकोज है ग्लूकोज कन्वर्जन यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद स्प्लीन जो है, स्प्लीन कॉन्टैक्ट कर जाता है यहाँ पे, एड्रेनल मेडुला में क्या हुआ था, ठीक है। यहाँ पे एडलिन जो नोरएड्रेनालिन है वो सिक्रेट हो जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहाँ पे पैरालिसिस एंड टोन रिड्यूस, स्फिंक्टर क्लोज ब्लड वेसल्स एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। किडनी से अगर हम बात करें तो यूरिन सिक्रेशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ब्लैडर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लैडर में क्या होता है, स्मूथ मसल्स वॉल स्लाइटली एंड रिलैक्सड, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें सेक्स ऑर्गन्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेल और फीमेल इंक्रीज द ग्लैंडुलर सेक्रीशन, ठीक है। और मेल्स में क्या होता है, इजैकुलेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मतलब वो थे। और दूसरा हमने क्या देखा था, मेन चीज यहाँ पे जो आप देख रहे हो स्पाइनल कोड है, देखो यहाँ पे जो प्री गैंग्लियन होता है, प्री गैंग्लियन जो होता है वो छोटे होते हैं, और यहाँ पे जो जो पोस्ट गैंग्लियन होते हैं, ठीक है, वो बड़े होते हैं, ठीक है। एक डायग्राम मैंने इससे प्रीवियस टेस्ट वीडियो में दिखाया था कि मैंने कहा था कि जो है हम डायग्राम उसको हम बाद में रिलेट करेंगे, तो वो इसी से रिलेटेड था वो डायग्राम भी, मैं आपको अभी शो भी करूंगी, ठीक है। उसको यहाँ पे जो प्री गैंग्लियन है वो छोटे हैं, यहाँ पे जो पोस्ट गैंग्लियन है वो बड़े हैं, ये चीज़ याद रखना। और ऐसा ही दूसरे जब आप पोस्ट सिंपथेटिक में पढ़ोगे तो वहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे आप देख रहे हो जिसको हम थ्रैकोलम्बर भी बोलते थे, थ्रैकोलम्बर क्यों बोले, क्योंकि जो यहाँ पे थ्रेसिक रीजन से और लम्बर रीजन से यहाँ पे जो नर्व्स निकलती हैं, सिंपल यहाँ पे क्या चीज़ है, इसको हम जो सिंपथेटिक आउटफ्लो है उसको हम थ्रैकोलम्बर भी बोल रहे हैं। थ्रैकोलम्बर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्रेसिक रीजन से और लंबर रीजन से नर्व्स यहाँ पे सप्लाई करती है आगे। लेकिन पैरासिंपथेटिक के केस में क्या होता है, ये अलग होता है। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं, अगर हम बात करिए पैरासिंपथेटिक केस में यानी रेस्ट कंडीशन में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे पहली बात तो ये चीज डायग्राम मतलब जो आप दिखा रहे हैं सिंपली, इसमें जो क्रेनियस से निकल रही है एक नर्व्स और कहाँ से निकली है, सैक्रल से निकल रही है। तो दो रीजन से यहाँ पे नर्व निकलती है, वहाँ पे निकल रही थी थ्रेसिक रीजन से और लंबर रीजन से सिंपथेटिक के केस में, लेकिन यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स क्रेनियल नर्व्स आती हैं और यहाँ पे सैक्रल नर्व्स आती हैं। तो यहाँ पे क्रेनियो सैक्रल जो नर्व्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनता है। और देखो यहाँ पे कोई भी एक तरह से चेन नहीं बनी हुई गैंग्लियस की, ठीक है। तो यहाँ पे कोई गैंग्लिया की चेन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गैंग्लियंस होता है, देखो इस तरह से वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें क्रेनियल नर्व्स की कौन कौन सी इंक्लूड होती है, थर्ड वाली यानी ऑक्युलर वाली,
ओक्लोमोटर जो है वो वाली होती है, थर्ड वाली कौन सी होती है, ओक्लोमोटर होती है ना, तो ओक्लोमोटर काम क्या होता है, मूवमेंट कराना है इसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइस की मूवमेंट, आइस जो आयरस मसल्स है उसकी जो प्यूपिल कॉन्ट्रेक्शन है वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो नर्व है सेवन्थ जो थी वो आपकी फेशियल नर्व थी, ठीक है। तो फेशियल नर्व जो है ये लक्रिमल आपको सलाइवरी जो है, ठीक है, सब मेडुलरी और सब लिंगुअल जो है, ठीक है, और पैरोटिड ग्लैंड जो है ये क्या करती है सलाइवरी सेक्रेशन को इंक्रीज कर देती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे जो है